आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सिवनी शहर में जिस तरीके की घटनाएं घटी उसके बाद व्यापारियों में रोष और असंतोष जबरदस्त तरीके से व्याप्त है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 10 अगस्त को क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप व्यापारी सड़क पर निकले। इसके पहले हम आपको बता दें कि अनुमति इस 9 अगस्त को रैली की अनुमति बिरसा ब्रिगेड के द्वारा मांगी गई थी। बिरसा ब्रिगेड के द्वारा जो रूट दिया गया था उस रूट के हिसाब से अंबेडकर चौक, रानी दुर्गावती चौक, जिस तरीके की बातें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पुलिस सूत्रों ने बताई, उसके हिसाब से जो रूट दिया गया था अंबेडकर चौक, रानी दुर्गावती चौक, शुक्रवारी नगरपालिका छिंदवाड़ा चौक, वहां से वापस दलसागर दलपत शाह की प्रतिमा, उसके बाद रानीवती दुर्गावती चौक पर जाकर ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्थाएं छिंदवाड़ा कुरई से आने वाली वाहन बस स्टैंड, मंडला कानीवाड़ा से आने वाले मिशन स्कूल, गंगेरुआ रोड से आने वाले ड्रीमलैंड सिटी, बरघाट से आने वाले मोतीलान में रुकने की उनके व्यवस्था की बात आयोजकों के द्वारा की गई थी। और इसमें 6 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर कर अनुमति की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। व्यापारी संघ पहली बार एकजुट नज़र आता हुआ दिखा। व्यापारियों के द्वारा जिस जो मांग की गई है, व्यापारियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसे लेने अनुभागीय अधिकारी राजस्व मौके पर पहुँचे। उनके द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया उसके तहत सिवनी के नगर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित रैली में शामिल उत्पाती तत्वों द्वारा मचाए गए आतंक के संबंध में कार्रवाई हेतु आग्रह किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सर्व आदिवासी समाज द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई। उक्त रैली में शामिल लोगों के द्वारा जबरदस्ती गाली गलौज करते हुए, व्यापारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए दुकानें बंद कराई गईं, साथ ही कई स्थानों पर व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। दुकानों के बाहर खड़े वाहनों पर तोड़फोड़ की गई। व्यापारी वर्ग के ऊपर पथराव तक किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त रैली में शामिल लोगों के हाथों में कई तलवारें, फरसे इत्यादि घातक हथियार थे। इनके द्वारा शहर के नागरिकों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया और दहशत फैलाई गई। ज्ञापन में कहा गया है कि नागरिकों व व्यापारियों की सहनशीलता की वजह से शहर का माहौल खराब नहीं हो पाया और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों ने दुकानें बंद करी और अपने अपने घर चले गए। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त घटना के को लेकर व्यापारियों और नागरिकों में व्यापक रोष है, अतः राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि इस मामले में प्रशासन स्वतः संज्ञान लेते हुए रैली के आयोजकों एवं रैली में शामिल उत्पाती तत्वों पर कार्रवाई करे। साथ ही प्रशासन की ओर से लगे CCTV कैमरे, प्रशासन द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी एवं मोबाइल के फुटेज व वीडियो के आधार पर उत्पात मचाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एक बात का उल्लेख और किया गया है कि 9 अगस्त 2022 को भी इनके द्वारा शहर में इसी तरह की वारदात की गई थी और दहशत फैलाई गई थी। साथ ही आने वाले समय में इस तरह की रैली की सिवनी नगर में अनुमति प्रदान ना की जाए, ये पूरी की पूरी बात ज्ञापन में कही गई। आप देख सकते हैं व्यापारी किस कदर यहाँ पर आक्रोशित दिख रहे हैं। SDOP सिवनी और अनुभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी दोनों खड़े हुए हैं। बुधवारी बाजार का नज़ारा, बुधवारी बाजार में व्यापारी बहुत बुरी तरह आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। संभवतः ये सालों बाद व्यापारी इसमें आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। व्यापारियों का ये भी कहना था कि ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ तो व्यापारियों के हित संवर्धन की बात करने वाले संगठन, कांग्रेस और भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ सभी से नदारद ही प्रतीत हुए। इस तरीके से अगर शहर की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो इसे उचित कतई नहीं माना जा सकता है। व्यापारियों का ये भी कहना था कि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कड़े प्रबंध करना चाहिए। वैसे भी पिछले 2 दशकों से लगातार ही जिस तरीके की घटनाएँ सिवनी शहर में घटित हो रही हैं उसके बाद प्रशासन बहुत मुस्तैद हो चुका था। प्रशासन के द्वारा इसके पहले जब अवध किशोर पांडे यहां पर AK पांडे पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे तो उनके द्वारा
जब भी कोई इस तरीके का आयोजन होता था तो उसमें 10 लोगों के जो भी आयोजक हैं 10 लोगों के द्वारा आवेदन दिए जाने पर ही स्वीकार किया जाता था। जिस तरीके की बातें प्रशासनिक सूत्रों का कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 10 लोग जब आवेदन देते थे उनका नाम पता मोबाइल नंबर आदि सब कुछ होता था और उसके बाद ही उन्हें अनुमति दी जाती थी और कहीं कोई इस तरीके की घटना घटती थी तो सबसे पहले कटघरे में आयोजकों को खड़ा किया जाता था। ये 2015, 2016, 2017 तक इस तरीके की सख्ती रही। उसके बाद जो भी पुलिस अधीक्षक सिवनी में पदस्थ रहे उनके द्वारा धीरे 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 लिबर्टी बरती जाती रही और आज जिसकी परिणति हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है आज इसकी परिणति के रूप में यहाँ पर ये चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर व्यापारी एकत्र हैं। बुधवारी बाजार बंद है, संपूर्ण शहर बंद है, व्यापारिक प्रतिष्ठान शहरों के बंद हैं और लोगों का यही कहना है कि इस तरीके से अगर व्यापारियों के साथ कहीं कोई घटना घटती तो वो घटना सिर्फ उसकी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। सिवनी वैसे भी अमन का एक टापू माना जाता है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। सब कुछ होने के बाद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश कर देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।